गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 14 जुलाई 2020 और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपका मैं अर्चना सिंह वेलकम करती हूं। तो आज देख लेते हैं कि देश और दुनिया में क्या नया हुआ, क्या इकोनॉमिक्स, क्या स्पोर्ट्स में नई चीज़ें हुई हैं जो कि हमारे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ये करंट अफेयर मैं करा रही हूँ वह SSC, CGL, बैंक, CHSL, MPPCS, UPPCS, UPSC, रेलवे और कोई भी अदर स्टेट का PCS एग्ज़ाम है, सबके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब GS पेपर 1, 2, 3, 4 की बात करें तो चारों सीरीज एज इट इज़ चलाई जा रही है, मंडे टू सैटरडे आप तो वो देख सकते हैं। और सरकारी जो नौकरी है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की तरह एक वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जो कि हर संडे टू संडे पब्लिश होगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। इस मंच का उद्देश्य रोजगार क्षेत्रों में कुशल कार्यबल की मांग आपूर्ति के अंतर को कम करना और सूचना प्रभाव में सुधार करना है। अगर हम AI की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धि। ये कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसान की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जा सकती है। केंद्रीय कौशल और विकास उद्यमिता मंत्री जो हमारे हैं वो है महेंद्र नाथ पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किसके बीच 15वां वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और यूरोपीय संघ के बीच। एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। भारतीय हॉकी संघ, ये जो भारत में हॉकी खेल होते हैं इनको ये रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। और पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं हमारे ग्राहम रीड और महिला हॉकी टीम के जो कोच हैं वो हैं शॉर्ड मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की है? तो ये हमारी की है बोइंग ने। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर के साथ 22 नए AH-64E अपाचे और CH-47F1 चिनू के भारी भरकम हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया। अगर हम बोइंग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1916 में, जिसका मुख्यालय शिकागो अमेरिका में है और इसके MD और CEO हैं डेविड एल चलहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा की आत्मकथा किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है तेंजिंग गेओ टेनथांग। दलाई लामा की जीवनी पर लिखी हिज लोनीलेस द 14th दलाई लामा द इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा और इस पुस्तक को रोली बुक्स ने प्रकाशित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने 2020 के लिए यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भारत की सेना ने। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल में तैनात एक भारतीय बटालियन ने कचरा कम करने, प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल करने, ग्रीन हाउस और जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार जीता है। यूनिफिल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल। इसकी स्थापना हुई थी 19 मार्च 1978 को और मुख्यालय है नकोरा लेबनान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत हाल ही में अमेरिका नौसेना में किस मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्विगल ने पहली अश्वेत महिला पायलट बनकर इतिहास रख रच दिया है? तो ये है अफ्रीका मूल की। हाल ही में अमेरिकी नौसेना में अफ्रीका मूल की लेफ्टिनेंट मेडलिन स्विगल ने पहली अश्वेत महिला बनकर पायलट महिला जो है पायलट बनी है, उन्होंने इतिहास रच दिया है। और लेफ्टिनेंट मेडलिन स्विगल को इस महीने के आखिरी तक
फ्लाइट अधिकारी का बैच मिलेगा जिसे विंग ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? तो ये किया है सेबी ने। अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी, जिसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ने हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग के विनिमयन और विकास से संबंधित मामलों पर सलाह देने वाली सहकारी समिति का पुनर्गठन किया है और इस 20 सदस्यीय सलाहकार समिति का प्रमुख उषा थोराट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत का कौन सा राज्य सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बना है हिमाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर हर घर में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में ये सबसे बड़ी कामयाबी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है, जिसका अर्थ बुनकर सम्मान योजना है। चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना के मुताबिक कर्नाटक राज्य में 54,789 हथकरघा बुनकर पंजीकृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यारोपण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में हांगकांग के साथ प्रत्यारोपण संधि खत्म करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीजा की पेशकश भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपका चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।